बस्ती के मरीज की बीते सोमवार को बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही जिले में प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया और लगातार इससे जुड़े लोगों के संपर्क में आए लोगों, डॉक्टरों, नर्सों, एम्बुलेंस ड्राइवर और परिजनों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया तथा उनकी जाँचें भी की गई। इस जांच में शुक्रवार को जिला अस्पताल में भर्ती एम्बुलेंस चालक सहित चार लोगों की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी सभी कोरोना निगेटिव पाए गए हैं, किसी में भी कोरोना का कोई सिम्टम नहीं मिला है। ऐसे में जिला अस्पताल प्रशासन ने आइसोलेशन में रखे लोगों को लिखित आश्वासन के बाद घर जाने की अनुमति दे दिया, लेकिन उनसे कहा कि 14 दिन तक वह घर के बाहर नहीं निकलेंगे और इसकी जांच दोबारा होगी, उसके बाद ही उसे क्लियर माना जाएगा। इस संबंध में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि सभी लोगों को जांच के बाद कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं, जिसके बाद सबको घर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसे लिखित आश्वासन लिया गया है कि उसे बाहर नहीं जाएंगे और 14 दिन तक अपने आप को एक कमरे में रखेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह ने कहा, बीआरडी में एक मरीज आया था जो बस्ती से एम्बुलेंस के द्वारा लाया था, हसनैन अली, उसकी एडमिशन के 24 घंटों के बाद में मौत हो गई। तो जो लोग वहाँ पे ड्यूटी में शामिल थे, डॉक्टर्स और नर्सेज, उनको वहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया है और उस एम्बुलेंस जब यहाँ से लौट के गई है तो उसमें जो बैठ के लोग गए थे उनमें से 5 लोग हमारे यहाँ क्वारंटाइन के रूप में लाए गए थे परसों, जिनकी कल सैंपलिंग ली गई थी और आज सुबह जब उनका टेस्ट की रिपोर्ट आ गई जो कि निगेटिव थी, 5 के 5 में कोई किसी तरह का कोई पॉजिटिविटी नहीं पाई गई, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। उनका एड्रेस नोट करने के बाद होम क्वारंटाइन के लिए स्टैंपिंग करके उनको छुट्टी कर दी गई और वो अपने अपने घर चले गए। एक मरीज अभी रुका हुआ है, उनमें से एक आदमी जिसको जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो तहसीलदार के द्वारा कराया जा रहा है, जब हो जाएगी तो वो भी चला जाएगा। सर, ये कराने वाले कहाँ पे थे? ये गगहा के थे जो अभी नहीं जा पाए हैं। दो लोग जो थे वो कुशीनगर के थे, 2 गोरखपुर के थे, एक कुलरिया का था, एक निबुआ का जगह है वहाँ का रहने वाला था। सर, बीआरडी में कोरोना की पुष्टि हो जाने के बाद जिला अस्पताल में कुछ विशेष सतर्कता बरती जा रही? सतर्कता तो डेली पहले भी कराई जा रही थी, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से पूरा वॉश कराया जा रहा था और उसके बाद भी जब ये हो गया है तब कल डर का एक वातावरण था जिसमें कि हमारे कई कर्मचारी भागने की तैयारी में थे। कुछ जो प्राइवेट वर्कर्स थे, लेबर के रूप में काम करते थे, वो लोग तो चले ही गए, साइकिल से चले गए यहाँ से, और ड्रोना इतनी दूर साइकिल चला के यहाँ से लोग चले गए। तो लेबर के रूप में हमारे पास इस समय कोई नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे उनको कन्विंसिंग की गई, शिक्षा दिया गया, ट्रेनिंग दी गई और दोबारा समझाया गया और हिम्मत बढ़ाई गई, तो वो लोग रुक गए। और आज जब निगेटिव रिपोर्ट आ गई तो सब लोग हैं और जब वो डिस्चार्ज हो गए तो उसके बाद दोबारा वार्ड की सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से दोबारा करा करके बंद कर दिया गया। सर, जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनको कुछ स्पेशल किट सैनिटाइजर वगैरह भी मुहैया कराया जाए? जो कल सैंपलिंग के दौरान में तो PPE किट पहन के ही उन्होंने सब करा था और उसके बाद में अब लखनऊ से भी PPE किट आज हमारे पास उपलब्ध हो गई, मास्क आ गए हैं, तो भविष्य में भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, उनका पूरा देखभाल किया जाएगा और पूरी अपने को बचाते हुए ही मरीज की केयर की जाएगी।